भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, और इस पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा है कि जिस पार्टी में कहा जाता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब उसमें कहा जा रहा है कि तू चुनाव लड़। इससे पता लगता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह देने और यह जताने पर कि उन्हें खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा, अब कांग्रेस की डूबती नैया को देखते हुए कहते हैं तू लड़ तू लड़। इसलिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, आप लड़िए। पर हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़ तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया है। वही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रणावत पर की टिप्पणी को लेकर विज ने कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भाजपा मंडी प्रत्याशी कंगना पर अभद्र टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रणावत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस युवाओं का भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा युवाओं को भटकाना चाहती है। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा जिसका अपना भविष्य ना बना हो वो दूसरों के भविष्य बनाने की बात करता है तो ये तो हास्यास्पद लगता है, वो पहले अपना भविष्य देख ले। जिसका अपना भविष्य ना बना हो और दूसरों के भविष्य बनाने की बात करता है तो ये हास्यास्पद लगता है, पहले वो अपना भविष्य तो देख ले क्या। बहरहाल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा पर तंज कसा, वहीं उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कंगना रणावत पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया है। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।